आपके क्षेत्र में सरकार या सिसिल कंपनी जो पौधा लगा रही है, इससे आपको क्या फायदा है? ये जो सिसिल सरकार जो पौधा लगा रहे हैं, इसमें से कोई ऐसा पौधा ही नहीं लगा रहा है जो हमारे उपयोगी में है। जहाँ जहाँ कोयला खनन कंपनी आती है, वहाँ का हरियाली पर्यावरण पूरा बर्बाद कर देती है। वेस्ट बोकारो घाटों के टाटा कंपनी और सिसिल कंपनी वहाँ की जमीन को बंजर बना दिया। ये जो पौधा लगा रहे हैं चकुंडनी, आकाशनीय और लिप्टस, जो ये ना तो दत्वन के काम आते हैं और ना ही इसका पत्ता उपयोग है और ना ही इसका मतलब जानवर भी नहीं खा सकते। मवेशी और हमारे दैनिक उपयोग में आने वाले पेड़ सखुआ, महुआ, कटहल, अमरूद हैं, लेकिन कंपनियां बबूल, आकाशिया, यूकलिप्टस जैसे पेड़ लगाती है जो हमारे लिए लाभदायक नहीं साबित होती है। अभी आप क्या कर रहे हैं? हम दत्वन जो से काट के लाए हैं, इसको टोन रहे हैं। तो क्या चीज दत्वन है? ये जैसे अथी लागे तो सखुआ लागे, तो अभी कौन दत्वन दूसर कौन लो, तो सखुआ लागे जंगल जा, ये कोई से जानो ये तो बेच बिकन के कोई से जैसे पेड़ पाले थी। तो आपके हिसाब से कौन कौन सा पौधा सरकार को या कंपनी को लगाना चाहिए? हमारे हिसाब से सखुआ पेड़ लगाना चाहिए इसको, जिससे दत्वन हम लोग बेचते हैं और रोजगार का एक तरह का काम भी होता है। आम का पेड़ लगाना चाहिए, खाने योग्य फलदार कटहल लगाना चाहिए, महुआ लगाना चाहिए। महुआ पेड़ हम लोग शादी ब्याह में उसको उपयोग करते हैं। कैसे मुठा दे रहा है दत्वन? 3 रुपये। और पता है? 2 रुपये ना। ये कौन चीज पता लगा सर? कौन सी सखुआ? घर चला हुआ। टाटा और सिसिल कंपनी ऐसे वृक्षारोपण कर रही है, ना हमारे लिए उपयोग है और ना मवेशियों के लिए उपयोग है। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, टाटा कंपनी के महाप्रबंधक को फोन करके दबाव डालें। उनका नंबर इस प्रकार से है 0-6545-2624-86। यहाँ वैसा पौधों को लगाए जो हमारे लिए उपयोगी हो और मवेशियों के लिए भी उपयोगी हो। मैं मोहन भुइया, जिला रामगढ़ से, झारखंड, इंडिया अनहट के लिए।